दर्शकों जय भीम नमो बुद्धाय। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल प्रस्तुत मेरा गांव भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत। दर्शकों हर दिन जिस प्रकार हम आ जाते हैं आपको मिलने के लिए लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल पे, उसी समय पे आज भी आपको मिलने के लिए आ चुके हैं, लेकिन आए हैं तो साथ में एक ऐसा गाँव लाया है, एक ऐसा बुद्ध विहार यहाँ पर लाया है कि जिसे देखते ही आपको यहाँ पर एक मालूम हो जाएगी कि किस प्रकार की गतिविधियाँ इस विहार में चलती है। तो दर्शकों यह है महाराष्ट्र के मराठवाड़ा प्रदेश का जालना जिले का और ये भोकरदन तहसील का लोनगांव, लोनगांव का यह है नागसेन बुद्ध विहार। नागसेन बुद्ध विहार के सामने कड़ी तादाद में लोग यहाँ पे बुद्ध वंदना के लिए मौजूद है, तो थोड़ी देर में यहाँ पे बुद्ध वंदना शुरू हो रही है, तो चलते हैं बुद्ध वंदना के कार्यक्रम में। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवाबुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो संघं नमामि नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयमपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयमपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समाधियामि अदीनदानवेरमणि शिक्षापदं समाधियामि कामेशुमेच्छचारा वेरमणि शिक्षापदं समाधियामि मूसावादावेरमणि शिक्षापदं समाधियामि सुरामेरयमजपमादठाना वेरमणि शिक्षापदं समाधियामि साधु 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 बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। दर्शकों जय भीम नमो बुद्धाय। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल की प्रस्तुति मेरा गांव भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत। आप लोग देख रहे हैं ये लॉर्ड बुद्धा टीवी की पेशकश है। दर्शकों इस शो का ये दूसरा सेगमेंट, जिस सेगमेंट में हम यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से भारत के संविधान की जो प्रीएम्बल होती है, जो प्रस्ताविका होती है, उसका सामूहिक पठन होता है। और इस सामूहिक पठन में आप जानेंगे लोगों से किस प्रकार भारत का संविधान का प्रीएम्बल लोगों को क्या उद्देश्य देता है। तो चलते हैं दर्शकों संविधान के इस प्रीएम्बल के पठन के कार्यक्रम में। जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम आनंद मगरे है, मैं महाराष्ट्र से जालना जिला तालुका भोकरदन और मेरा गांव लोनगांव है। मैं हमारे गांव नागसेन बुद्ध विहार से बोल रहा हूं। हम हमारे बुद्ध विहार में भारत का संविधान का
गठन कर रहे है, सॉरी पठन कर रहे हैं। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक, भारत को एक संपूर्ण संपूर्ण प्रभुत्व प्रभुत्व संपन्न संपन्न समाजवादी धर्म धर्मनिरपेक्ष समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास श्रद्धा और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी सन को ईद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। जय भीम जय भीम जय भीम जय संविधान जय संविधान जय संविधान जय संविधान। दर्शकों जय भीम नमो बुद्धाय। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल की प्रस्तुति मेरा गांव भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण। इस कार्यक्रम में फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत। आप लोग देख रहे हैं ये शो इस गांव में चल रहा है। यह है महाराष्ट्र के मराठवाड़ा प्रदेश का जालना जिले का और भोकरदन तहसील का ये लोन गाँव का यह है नागसेन बुद्ध विहार। और नागसेन बुद्ध विहार के सामने इतनी रात होने के बावजूद भी कड़ी तादाद में लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं जो लोग संविधान पर चर्चा करती है इस कार्यक्रम में। तो दर्शकों इसका हमारे शो में इस शो के सहायक एंकर विनीता राव उत्तर प्रदेश से है जो आज इस शो में मौजूद है। जानेंगे 1900 के बाबा साहब के संविधान से महिलाओं का विकास होने के लिए महिलाओं की प्रगति होने के लिए यह संविधान किस प्रकार का प्रावधान करता है। तो उन्हीं की जुबानी जानेंगे संविधान के लिए महिलाओं का विकास संविधान के माध्यम से। जय भीम नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल प्रस्तुत मेरा गांव भारत का संविधान करे आदर्श गांव का निर्माण। इस शो में आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान जो बना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुत ही कड़ी तपस्या के साथ उनको 2 साल 11 महीने 18 दिन इतना समय लगा ये संविधान बनाने के लिए। जो ऐसे महान महापुरुष है जो कि इस भारत देश में ही नहीं पूरे विश्व में उनको विश्व रत्न कहा जाता है और उन्हीं की देन है जो कि ये आज महिलाएं पुरुषों के साथ समान खड़ी हुई हैं कंधे से कंधा मिलाकर। एक समय था कि महिलाओं को बोलने का भी अधिकार नहीं था, ना उनको बोलने का अधिकार था, ना उनको चलने का अधिकार था, ना ही उनकी कोई सुरक्षा थी। मनुस्मृति में जो लिखा गया था महिलाओं के लिए, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मनुस्मृति में लिखा गया था ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो इस जो विधान लिखा गया था तो इसमें लिखा गया था जिस तरह ढोल को पीटते हैं उस तरह महिलाओं को पीटो और जिस तरह खूंटे से जानवर को बांध कर रखते हैं उसी तरह महिलाओं को रखो। तो ये मनुस्मृति का विधान था जिसमें भारतीय संविधान ने बाबा साहब ने लिख करके महिलाओं को पुरुषों के समान खड़ा कर दिया। आज महिलाएं किस लेवल में आगे नहीं है देखा जाए तो वो भारतीय संविधान है जिसकी वजह से आज महिलाएं पुरुषों के समान खड़ी, यहाँ तक कि देश पर राज कर रही है। प्रशासन में हर जगह देखा जाए तो आज डॉक्टर इंजीनियर PhD LLB हर जगह यहाँ तक कि लड़कों के साथ ओलंपिक में खेल रही हैं। तो दर्शकों ये थी लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल की हमारे शो की सहायक एंकर विनीता राव जिन्होंने महिलाओं के प्रगति के लिए संविधान ने क्या क्या प्रावधान किया है और किस प्रकार इस देश में संविधान के बलबूते पर महिलाएँ अपना विकास कर रही है। दर्शकों संविधान एक ऐसा दस्तावेज जो विश्व रत्न महामहिम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। संविधान बनाने के लिए भारतवर्ष में 2 प्रकार की समितियां यहां पर गठित की गई थी, जिस एक समिति को संविधान समिति कहा करते हैं और दूसरी समिति जो बन गई थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि मसौदा समिति। और इसी मसौदा समिति के बाबा साहब अम्बेडकर चेयरमैन थे। इस मसौदा समिति में कुल 7 लोग थे। 7 लोगों में से 6 लोग अलग अलग
बाबा साहब को किसी भी प्रकार का कोऑपरेट न करने के मूड में थे और ये लोग पूरे ड्राफ्ट को बनाने के इस कार्य में किसी भी प्रकार का सहाय नहीं किया और वो लोग अलग अलग कारण देकर यहाँ पे इस मसौदा समिति से बाहर हो गए। कोई पर्दे चला गया, कोई अपने कारोबार में व्यस्त हो गया, कोई राजकारण में व्यस्त हो गया, कोई बीमार हो गया, तो एक दो उसमें से मर गया। जय भीम, मैं संतोष जी ने संविधान से आपको क्या मिला? संविधान मानसम दे रहा है अधिकार मिला। जोरदार तालियों के साथ हमें आदमी आदमी होकर मिलने का यहाँ पे एक संधि मिल रही है संविधान से। सर जय भीम। क्या नाम है सर आपका? विकास मगरे। क्या कहोगे सर संविधान के बारे में? संविधान के बारे में मैं ये कहूँगा कि हमें नौकरी में आरक्षण मिला। क्या बात है, आरक्षण मिला हमें जोरदार तालियों के साथ। और संसद में उम्मीदवार रहने का मौका मिला। बिल्कुल। जय भीम। नाव सांगा। माझं नाव रामेश्वर तुकाराम जिने। अच्छा। मी रानोर लोणगाव तालुका भोकरदन जिल्हा जालना। भारतीय संविधानामुळे आम्हाला मानानं जगण्याचा अधिकार मिळाला, शिक्षणाचा अधिकार मिळाला। बिल्कुल। जय भीम। हमें मान सम्मान और इज्जत से जीने का हक अधिकार प्रदान करता है संविधान, क्योंकि हम भी इंडियन हैं और इस देश में पैदा जन्मा होने वाले हर एक लोग इंडियन है, भारतीय है। जानेंगे लोगों से क्या कहते हैं लोग संविधान के बारे में। सर जय भीम। जय भीम। क्या कहोगे? माझं नाव गुलाबराव मोहनराव मगरे, राहणार लोणगाव तालुका भोकरदन जिल्हा जालना। आणि या संविधानाबद्दल माझं असं मत आहे की आम्हाला आमच्या सर्व समाजाला जे आरक्षणच नाही, समता, बंधुत्व, मित्रत्व आणि नागरिकत्व एवढं मिळाल्याच्या नंतर संविधान नुसतं तेवढ्यापुरतं मर्यादित नसून पूर्ण जगाला, पूर्ण मानव जातीला ते वंदनीय आहे आणि पूर्ण समाजासाठी, पूर्ण मानवासाठी एक संविधान तयार झालेले। म्हणून मी त्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे सर्व मानवजातीचे आम्ही ऋणी आहोत आणि एवढं काही मोठं खूप कार्य चांगलं केलेले। जय भीम। क्या बात है दर्शक, ये कृतज्ञता जताते हैं लोग बाबा साहब के प्रति और उनके लेखनी के प्रति यानी कि संविधान के प्रति, क्योंकि उन्हीं संविधान से मान सम्मान और शौकत मिल जाती है हमारे इस भारतवर्ष में और आदमी होकर जीने का हक अधिकार प्रदान करता है भारत का संविधान। क्या कहते हैं लोग संविधान के बारे में, जानेंगे लोगों से क्या भारत का संविधान। जय भीम। नाउ मी विनायक अंबादास जिने, मुक्काम पोस्ट लोणगाव तालुका भोकरदन जिल्हा जालना। नागसेन बौद्ध विहारामधून आज जी माहिती विचारण्यात येत आहे, मी सर्वप्रथम सांगेन माणसाला माणूसपणाची जाणीव करून देणारे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर। जसे की एक काळ असा होता राणीच्या पोटातून राजा जन्मत होता, तो आंधळा असो, लंगडा असो, खुळा असो, पांगळा असो, तोच राजा करत होता। पण 1952 डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संविधानाच्या माध्यमातून जे स्वातंत्र्य मिळालं, जे मताधिकार दिला, आज ह्या राणीच्या पोटातून राजा नाही जन्मणार, तो मतपेटीच्या मतातून राजा जन्मन, हाच अधिकार बाबासाहेबांनी आपल्या सर्वांना, टाटा बिर्ला अंबानीला एक मताचा अधिकार दिला आणि रोडवरच्या भिकाऱ्याला पण एक मताचा अधिकार दिला। जय भीम। माझं नाव आनंद मगरे आहे। भारतीय संविधानानं सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे न्याय, स्वातंत्र्य आणि समता हे सर्वात मोठं मूल काय मूलभूत हक्क दिले। त्याचबरोबर ह्या देशामध्ये संविधान निर्माण झाल्याच्या नंतर ज्या काही निवडणुका झाल्या त्या निवडणुकामध्ये महिलाला प्रतिनिधी, म्हणजे महिला मोठ्या प्रमाणात महिलाला संधी मिळाली, राष्ट्रपती झाल्या, त्याच्यानंतर राज्यपाल झाल्या। त्यामुळं भारतीय संविधान हे खूप मोठं आहे। ज्या महामानवाने ते संविधान लिहिलं त्या महामानवाला माझं वंदन। जय भीम। दर्शक, बाबासाहेब के प्रति लोग कृतज्ञता जताते हैं, बाबासाहेब को सैल्यूट करते हैं ये शो के माध्यम से, क्योंकि इन्हीं शो के तहत हम लोग संविधान के प्रति लोगों के बारे में और जी जान से जानते हैं कि क्या है भारत का संविधान। सर जय भीम। जय भीम। नाम सर बोलो। सर राम जी ने रानर लो। संविधान विश्व में नंबर एक संविधान है सर। क्या बात, कौन से हक अधिकार देता है हमें? मानवत्व का अधिकार। अच्छा। और शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। जोरदार तालियों के साथ दर्शकों, राइट टू एजुकेशन मिल जाता है हमें संविधान से। और समानता, समानता का अधिकार। क्या बात। जय भीम। जय भीम। सर जय भीम। जय भीम। नाम बोलो सर। राजेंद्र प्रहलाद पंडित। अच्छा, क्या कहोगे सर संविधान के बारे में? संविधानाने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरने जे संविधान दिलं ते सर्वांना समान सारखं आणि शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे, जो कोणी पिईन तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रेरणा दिली। तर दर्शको, इस शो में हमारे साथ महिलाएं भी जुड़ी है और जानेंगे महिलांसे
क्या कहते हैं महिला संविधान के बारे में, कौन कौन से हक अधिकार प्रदान करता है भारत का संविधान, और इसी संविधान से देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और सामाजिक न्याय का वातावरण खड़ा करने के लिए आज ये महिला भी यहाँ पे कार्यरत है, और जानेंगे लोगों से महिलाओं से क्या कहती है महिलाएं। तय जय भीम। जय भीम। माझा नाव सविता मनोज जिने, राहणार लोणगाव, तालुका भोकरदन, जिल्हा जालना। पहिले जेव्हा संविधानापासून आपल्याला काय भेटले, पहिले अगोदर होतं चूल आणि मूल, बरोबर, चूल आणि मूल होतो, आता शिक्षणापासून खूप काही आपल्याला भेटलंय शिकायला। माझं नाव मीना राम जिने, राहणार लोणगाव, तालुका भोकरदन, जिल्हा जालना। मी पहिले लॉर्ड बुद्ध चॅनल चे आभारी आहे की माझ्यापर्यंत आणि संविधानामुळं मला कॅमेरा समोर बोलण्याची संधी मिळाली। जय भीम सर। नाव सांगा। माझं नाव सीमा विकास मगरे, राहणार लोणगाव, तालुका भोकरदन, जिल्हा जालना। सर मला लॉर्ड बुद्धा चॅनलवर बोलण्याची संधी फक्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरामुळं आणि संविधानामुळं भेटली। त्यांची ऋणी आणि आभारी आहे। निर्मला विनायक जिने, राहणार लोणगाव, तालुका भोकरदन, जिल्हा जालना। संविधानामुळे आम्हाला जगण्याचा अधिकार मिळाला, संविधानामुळे शिक्षणाचा अधिकार मिळाला, संविधानामुळे आम्हाला मताचा अधिकार मिळाला। जय भीम। जय भीम। नाम बोलो। माझं नाव वंदना विश्वजित मगरे, राहणार लोणगाव, तालुका भोकरदन, जिल्हा जालना। संविधानामुळे आम्हाला समाजामध्ये जसं मान सन्मान मिळाला आणि शाळेमध्ये पण जसं मुलांना शिक्षणाचा अधिकार मिळाला। जय भीम। माझं नाव मधुरा रामदास वाळू, राहणार लोणगाव, तालुका भोकरदन। आता पुढे काय दिलं बाबासाहेबांच्या घटनेमुळे काय मिळालं तुम्हाला? अधिकार कोणते मिळाले? अधिकार मिळाला जगण्याचा, शिक्षणाचा, जगण्याचा आणि मतदानाचा। नाव सांगा तुमचं। माझं नाव सुनीता भानुदाजीने, राहणार लोणगाव, तालुका भोकरदन, जिल्हा जालना। हे लाडबुद्ध चॅनल पाहिल्याबद्दल, आम्हाला संधी मिळाल्याबद्दल खूप खूप आम्ही आभारी आहे। जय भीम। माझं नाव विद्या गजानन खंडाकळे, राहणार लोणगाव, तालुका भोकरदन, जिल्हा जालना। लॉर्ड बुद्धामुळे चॅनलवर बोलण्याची संधी मिळाली। जय भीम। माझं नाव सविता विनायक जिने, राहणार लोणगाव, तालुका भोकरदन। जय भीम। जय भीम। दर्शकों, लोग जुड़ जाते हैं हमारे साथ, कहते हैं अपनी मन की बात, क्योंकि ये शो है मेरा गांव, भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण। इसी शो में कुछ लोग विचारों के माध्यम से यहां पे व्यक्त हो जाते हैं, कुछ लोग गीतों के माध्यम से व्यक्त होते हैं और बाबा साहब के कार्यकर्ताओं के बारे में बोलते रहते हैं। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। जय भीम सर। मेरा नाम शराय जिने। जो अपने देश में जो संविधान है वो अपना देश होता 1949 को चालू हुआ है, लेकिन उससे उसके पहले अपने देश में मनुस्मृति का राज चालू था। और जैसे ही अपना संविधान अपने देश में लागू हो गया वो मनुस्मृति का राज खत्म हो गया। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं सर कि गए 10-15 सालों में जो मनुस्मृति का राज है वो धीरे धीरे वापस आ रहा है, क्योंकि वो जो पॉलिटिशियन लोग जो है ये सब आरएसएस के बंदे वाले हैं। और अभी अभी कुछ महीनों पहले किसी एक सांसद ने भरी महफिल में टेज में बोला था कि हम संविधान बदलने के लिए इस सत्ता में आए हैं, ये बहुत ही बुरी बात है। और एक जिम्मेदार आदमी इस प्रकार का वक्तव्य करता है और उस पार्टी का कोई भी सदस्य उसकी कड़ी निंदा नहीं करता है या फिर उस पर कोई एक्शन नहीं लेता है, इससे ये साबित होता है कि ये पार्टी मनुस्मृतिवादी पार्टी है, ये लोकशाही को मानने वाली पार्टी नहीं है। इसीलिए मैं पूरे देश को एक खुलेआम आह्वान करता हूँ कि आप अपना जो संविधान है, जो लोग संविधान की
बात करते हैं, संविधान को चलाने की बात करते हैं, संविधान के दायरे में रह के देश चलाना चलाना सोचते हैं, उन्हीं लोगों को अपना प्रतिनिधि चुन के दे। ऐसे भी युवा कार्यकर्ता समाज में मौजूद है जो एक स्पिरिट से अपनी बात लॉर्ड बुद्धा टीवी के जरिए दुनिया वालों के सामने रखा करते हैं, और ये बात पर हमने भी गौर करना चाहिए क्योंकि आने वाला समय इस समाज के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन कुछ लोग संविधान के लिए अपनी जान नौछौर करने की बात भी करते हैं, लेकिन संविधान किस प्रकार का बचाया जा सकता है जानेंगे कुछ लोगों से, क्या कहते हैं लोग संविधान के बारे में। अरे असक का है भाव बोला। जय भीम। जय भीम। माझं नाव प्रदीप वसंतराव जिनी, मुक्काम पोस्ट लोणगाव, तालुका बोकरदन, जिल्हा जालना। आम्हाला समाजामध्ये जगण्याचा अधिकार मिळाला ते फक्त संविधानामुळे, आणि आम्ही समाजात जगतोय ते फक्त संविधानामुळे। जय भीम। या सर। जय भीम। पुढे बघा, नाव सांगा। माझं नाव सचिन पंढरनाथ मगरे, राहणार लोणगाव, तालुका भोकरदन, जिल्हा जालना। आम्हाला संविधानामुळे भरपूर काही शिकायला भेटलं, बरोबर, तसेच मूलभूत गरजा अन्न वस्त्र निवारा बिलकुल आणि आरोग्य ह्या सुद्धा गरजा प्राप्त झाल्यात। तरी मतदानाचा अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार। जोरदार तालियों के साथ, क्या बात है, जोरदार तालियां। दर्शकों लोग जुड़ जाते हैं हमारे साथ, कहते हैं अपनी मन की बात, क्योंकि यह शो है मेरा गांव, भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का। इस शो में कुछ महिलाएं गीतों के माध्यम से भी यहां पे प्रबोधित करना चाहती है, जानेंगे कुछ महिलाएं। मेरा नाम है प्रज्ञा जिने, मैं छठी कक्षा में पढ़ती हूँ और मैं आपके सामने एक गीत साझा करना चाहती हूँ। जय भीम चापोरी ला कण बारी, जय भीम चापोरी ला कण बारी, कुन्नाला वेतच नाही र, हो कुन्नाला वेतच नाही र, टक मग बघतोस काय र, फाडून टाकीन मी वाघीन आय र, टक मग बघतोस काय र, फाडून टाकीन मी वाघीन आय र, शेळी नका बनू जगावाघ बनून, बाबा साहेब आमचे गेले सांगून, जय भीमचा नारा ऐकताचा पोरा, जय भीमचा नारा ऐकताचा पोरा, वैरी ती पळून जायर, वैरी दूर दूर पळून जायर, टक मग बघतोस कायर, फाडून टाकीन मी वाघीन हायर, शिका संघटित वा संघर्ष करा, दिली हिम्मत जागवला समसरा, ऐकाल शांती नाही तर क्रांती, ऐकाल शांती नाही तर क्रांती, सांगा तुम्हा हवय काय र, हो सांगा तुम्हा हवय काय र, टक मग बघतोस काय र, फाडून टाकीन मी वाघीन आय र। दर्शको ये स्पिरिट जब दिखाई देता है हमारे इस बाबा के साहब के बेटियों में, किस प्रकार ये आवाज़ बुलंद होती जाती रहती है। कुछ महिलाएं जुड़ना चाहती है हमारे साथ, कहती है अपनी मन की बात को। लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कह रहे हैं अपनी मन की बात। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल की पेशकश मेरा गांव, भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण। ये गांव जो है आप लोग देख रहे हैं, ये है लोनगांव जो आ जाता है महाराष्ट्र जालना जिले का भोकरदन तहसील का, और यह है नागसेन बुद्ध विहार। नागसेन बुद्ध विहार के सामने कुछ महिलाएं हैं गीतों के माध्यम से भी हमारे साथ रूबरू होना चाहती है, जानेंगे कुछ महिला गीतों से क्या कहती है बाबा का ये आंदोलन। माझ्या कुंकवाच्या खाली भीम मूर्ती आहे गोंधलेली, माझ्या कुंकवाच्या खाली भीम मूर्ती आहे गोंधलेली, मानी डोरला भरून गळा आहे कंपाळी कुंकाचा टिळा, मानी डोरला भरून गळा आहे कंपाळी कुंकाचा टिळा, आयुष्याला आहे सांदली, आयुष्याला आहे सांदली, भीम मूर्ती आहे गोंधलेली, माझ्या कुंकवाच्या खाली भीम मूर्ती आहे गोंधलेली, आयुष्य लाभ माझ्या धन्याला, आऊक मांगते काळ्या मन्याला, आयुष्य लाभ माझ्या धन्याला, आऊक मांगते काळ्या मन्याला, संसाराला आहे सांदली, संसाराला आहे सांदली, भीम मूर्ती आहे गोंधलेली, संसाराला आहे सांदली, भीम मूर्ती आहे गोंधलेली। जय भीम।
इतना मधुर आवाज हमारे समाज के बहु बेटियों का होता है बाबा साहब के प्रति, ये कृतज्ञता जताने वाले गीत गाने हमारे इस शो में कुछ महिलाएं गाती है और ये शो का एक भाग भी बन रहा है दर्शकों, और बहुत ही लोगों का प्रतिसाद इस शो के लिए मिल रहा है ताकि लोग संविधान के बारे में किस प्रकार का अपना उत्तरदायित्व निभाते, जानेंगे कौन लोग है। काखत पोरगन हातात झाडू न डोई वरसे नाची पाटी, काखत पोरगन हातात झाडन न डोई वरसे नाची पाटी, कपडा न लतान खरकट बतान पजिती होती माय मोठी, माय अभिमान भिमान माय सोन्यान भरली वटी, माय अभिमान भिमान माय सोन्यान भरली वटी, मोडक्या झोपडीले होती माय तुटकी ताटी, मोडक्या झोपडीले होती माय तुटकी ताटी, फाटक्या लुगड्याले होते माय सतरा गाठी, फाटक्या लुगड्याले होते माय सतरा गाठी, पोरग झालं साहेब सुना झाले साहेबीनी सांगतात ज्ञानाच्या गोटी, पोरग झालं साहेब सुना झाले साहेबीनी सांगतात ज्ञानाच्या गोटी, माय अभिमान भिमान माय सोन्यान भरली वटी, माय अभिमान भिमान माय सोन्यान भरली वटी, जय भीम। दर्शकों, बाबा साहब के इस देश में पैदा होने से हमारे शोषित पीड़ित समाज के लोगों का किस प्रकार का भला हुआ है, किस प्रकार का उत्थान हुआ है, लोग जुड़ जाते हैं हमारे साथ, कहते अपने मन की बात, कोई विचारों से व्यक्त हो जाता है तो कई गीतों उसके साथ बोला जाता है। बाबा साहब का ये कार्यकर्तृत्व तो और संघर्ष, क्योंकि ये शो आप जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि दर्शकों हर एक के दिलों में बाबा साहब के प्रति इतनी बड़ी कृतज्ञता आज दिखाई देती है। तो जानेंगे इसी प्रकार और किसी एक बिहार में, किसी एक गाँव में, तब तक के लिए देखते रहिए, अपने तबीयत का ख्याल रखते हैं, और ये शो है मेरा गांव, भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण। तो मिलता है किसी प्रकार के दूसरे बिहार में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। धन्यवाद।